तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हम लोग आज लेने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के पहले हम लोग पुराना कुछ पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। पुराना कुछ पोर्शन मतलब समझ गए, जैसे आप लोगों ने लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी ये सब पढ़ा है। ठीक है ना, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी ये सब पढ़ा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी आएगा। पहले मैं पुराने पोर्शन को रिवाइज करूंगा, यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये पोर्शन रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग कंफर्टेबल तभी होंगे जब आप इनके जो छोटे वाले जो कैलकुलेशन है उसमें आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है ना, हम उस पे आते हैं। तो सर आपने लास्ट में क्वेश्चन कराए थे वो नहीं करा रहे? ठीक वो लास्ट में देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे लीनियर मास डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, या फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो यू हैव अ रॉड, इसका मास 10 kg, सॉरी इसकी लेंथ 10 मीटर है और इसका मास 5 kg है एंड दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे क्वेश्चन में व्हाट इज द मास ऑफ 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, कैसे निकालोगे? व्हाट इज द मास ऑफ 2 मीटर लेंथ, क्या करोगे? ये एक रॉड है, बताओ भाई क्या करोगे? इस रॉड का मास 5 kg है, 10 मीटर लेंथ है, कुछ नहीं बोला है तो यूनिफॉर्म मान लेना बाय डिफॉल्ट हमें। तो व्हाट इज द मास ऑफ 2 मीटर लेंथ, कैसे निकाले आप लोगों ने इसको? क्यों भी नहीं, अब यूनिट डायमेंशन सर पढ़ा क्या रहे हैं, ये नहीं है, ये रिवाइज करवाना जरूरी मुझे, ताकि आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से समझ पाओ। तो सबसे सिंपल सा मेथड ये पढ़े आपने कि भाई 10 मीटर लेंथ का मास है 5 kg, तो फिर 1 मीटर लेंथ का मास कितना हो जाएगा, 5/10 kg। और अगर आपको 2 मीटर लेंथ का मास चाहिए, भाई यहां से यहां तक अगर इसकी लेंथ 2 मीटर है तो इतनी जगह का मास कितना है, तो फिर 2 मीटर लेंथ का मास 2 × 5/10 kg एंड दिस मेथड इज कॉल्ड, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, पता है ना, इस मेथड को क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं, है ना, दिस मेथड इज यूनिटरी मेथड। बट इस यूनिटरी मेथड में भी तुम देखोगे ये 5/10 क्या बन गया, इट इज लीनियर मास डेंसिटी म्यू, और ये हो जाएगा म्यू इंटू एल, ये स्मॉल एल मान लो और ये है कैपिटल एन। तो म्यू का मतलब टोटल मास अपॉन टोटल, ये जो टर्म मैंने यहाँ पे म्यू लिखा है, इस म्यू टर्म इसको क्या बोल रहे हैं आप, लीनियर मास डेंसिटी बोल रहे हैं, बराबर है? हेलो, इस म्यू टर्म को लीनियर मास डेंसिटी बोल रहे हैं, इस टर्म इज लीनियर मास डेंसिटी। तो आप लीनियर मास डेंसिटी के टर्म पे करते हो तो चीजें जल्दी कर लेते हैं, समझ गए? हेलो हेलो, समझ गए? यस सर, ओके। स्क्रीनशॉट पे इस पेज का आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट पे जल्दी से क्लियर। यस सर, नाउ दिस इज पेज नंबर 2। तो अब सबसे पहले हम लोग समझ ले रहे हैं यहां पे लीनियर मास डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो लीनियर मास डेंसिटी की कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसकी लेंथ एल है, मास एम है, तो लीनियर मास डेंसिटी इज मास अपॉन लेंथ
या फिर डीएम अपॉन डीएल लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर आपको छोटे से पोर्शन का मास चाहिए, ठीक है, तो इतनी जगह का मास डीएम आ जाएगा और ये वाला पोर्शन का लेंथ डीएल मान लो, टोटल लेंथ इसकी एल। तो फिर इतनी जगह का मास आपको चाहिए तो क्या करते थे आप, डीएम इज इक्वल टू म्यू इंटू डीएल कर लेते थे, ठीक है। और अगर आपको टोटल मास चाहिए होता था तो इसकी यूनिट क्या आ जाती थी, केजी पर मीटर। और अगर आपको टोटल मास कैलकुलेट करना तो म्यू इंटू डीएल, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म है तो म्यू में आप डायरेक्ट लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, अगर यू जो लीनियर मास डेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ता है। समझ गए? हेलो अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो समझ गए? एक और बार बता दो, एक और बार देख। ये मान लो कोई रॉड है, इसकी टोटल लेंथ एल है, टोटल मास ये है। इसको चल एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। एग्जांपल से ऐसे समझ ले कि जैसे मान लो यहाँ पे ये मैंने रॉड लिया कोई, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी 0.2 केजी पर सेंटीमीटर। अगर मुझे यहां पर dx लेंथ का मास चाहिए तो ये dx लेंथ का मास कितना जाएगा, dm, dm इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या लिखोगे dx, इट इज 0.2 केजी पर सेंटीमीटर इंटू dx, बराबर है। हेलो, और अगर सपोज मुझे यहां पे इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ का मास चाहिए, 4 सेंटीमीटर लेंथ का मास, सो नाउ मास ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ किसके बराबर जाएगा, मास ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ विल बी m डैश इज इक्वल टू म्यू इनटू लेंथ। तो ये है 0.2 केजी पर सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, सो आफ्टर सॉल्विंग इट इज 0.8 केजी, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ का मास कितना जाएगा, 0.8 केजी आ जाएगा। समझ गए? हेलो बोलो भाई, अभी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी? समझ गए कि नहीं? तो ये है लीनियर मास डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में लीनियर चार्ज डेंसिटी करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कैलकुलेशन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो काम यहाँ मास कर रहा है वही काम क्या करेगा, चार्ज करेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो ले लिए क्या बेटा? यस सर, यस सर। Now, पेज नंबर 3, तो ये रिवाइज करवाने के पीछे मेरा रीजन ये था कि आप लोग इसको ध्यान रखो। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉइंट साइज का चार्ज हो, जरूरी है क्या भाई चार्ज सिर्फ पॉइंट चार्ज का हो या पॉइंट अकेला हो, कंटिन्यूअसली किसी भी बॉडी में चार्ज हो सकता है, जैसे बॉल में पूरे में चार्ज फैला हुआ है या इस पेज में पूरे में चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कोई बॉडी है, लीनियर बॉडी है, लीनियर बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो केबल है मेरे पास में ये लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या हो गया बताओ, जिसकी लेंथ बाकी जो पैरामीटर होते थिकनेस के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ गए ना?
जैसे पेन, दिस इज ऑल्सो लीनियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी थिकनेस इसकी लेंथ के कंपेरिजन में कैसी है, ज्यादा है, या फिर ये पेन भी लीनियर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि ये लीनियर है क्या, कैप, इज इट लीनियर और नॉट, लीनियर बोलोगे क्या? नहीं सर। नहीं, ये सिलेंड्रिकल शेप आप बोल दोगे, इसको भी सिलेंड्रिकल बोल दोगे, तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी लेंथ उसकी थिकनेस के कंपेरिजन में ज्यादा हो, तब हम उसको लीनियर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना? तो सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हेयर एंड टोटल चार्ज क्यू है एंड टोटल लेंथ एल है, तो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी आइदर क्यू बाई एल या डी क्यू अपॉन डी एल, इसकी यूनिट आएगी कूलाम पर मीटर, दिस इज दियर एसआई यूनिट, और अगर मान लो आपको डी क्यू चार्ज चाहिए तो लैम्डा इंटू डी एल, और अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा लैम्डा इंटू डी एल से, आप इस तरह से करोगे कैलकुलेशन, जैसे मास के लिए किए थे बिल्कुल वैसे ही इसके लिए रहेगा, ठीक है, जैसे मास के लिए किए थे बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी रहेगा कैलकुलेशन। एक एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल ये ले लू मैं, जैसे मान लो यहां पे कोई वायर लिया मैंने, और इस दिस इज एनी वायर, अब इस वायर में ये बहुत लेंथ का वायर है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, वेरी लार्ज वायर है ना, एक वायर है, और इसमें सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर की, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इस वायर में जो चार्ज डेंसिटी है इस वायर के लिए, इस वायर में जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी, 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर, ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर इसमें चार्ज डेंसिटी है। अगर मान लो मुझे कितनी लेंथ में चार्ज चाहिए यहां पे, फोर्टी सेंटीमीटर लेंथ में हमें चार्ज चाहिए भी कि यहां पे कितना चार्ज है, तो दैट इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू एल एंड 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर, लेंथ कितनी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है तो आपको से कैंसिल नहीं होगा, इसको आपको प्रॉपर कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है, इनटू 40 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, सो इट इज नाउ 0.8 माइक्रो कूलाम इज 40 सेंटीमीटर लेंथ पे चार्ज है, बात समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गया बेटा, कैलकुलेशन समझ गया कि नहीं, ये यस सर, है ना, और अगर मान लो आपको यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी लेंथ, जैसे ये ले लिया मैंने यहाँ पे, कितनी छोटी लेंथ ले लिया मैंने, dx लेंथ, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज आ रहा है, dq, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, इट इज 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर इंटू डी एक्स, ऐसा भी लिख दो, यहाँ पे dx लेंथ पे कितना चार्ज है, तो dq लैम्डा इंटू डी एक्स के फॉर्म पे आप कैलकुलेशन कर, नहीं टोटल पूरे वायर पे कितना चार्ज है तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे, लेकिन अगर कुछ पोर्शन में चाहिए तो लैम्डा इंटू एल कर लो, या फिर उसको भी इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होने के कारण आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की लेंथ में, लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वो भी बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पे इस पेज का, ठीक है, यही है क्या, हेलो स्क्रीनशॉट ले रही है, यस सर, अगला पेज है, दिस इज पेज नंबर 4, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे, ये एक वायर है यहाँ पे, दिस इज नाउ x इक्वल्स टू 0, और इस पे
चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कोई वायर फैला हुआ है, कितनी लेंथ का हमें नहीं पता, बट ये वायर है, ये पूरा इस तरह से फैला हुआ है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सपोज 2 + 0.5x, ठीक है, 2 + 0.5x इन SI सिस्टम, मैं लिख दिया मैंने, ठीक है, इन SI सिस्टम, मतलब जो 2 की यूनिट आएगी यहाँ पे, ये 2 की यूनिट रहेगी कूलाम पर मीटर, लेकिन x की यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर में जाएगी। तो अगर हमने ऐसा लिखा है, क्योंकि लैम्डा किसमें आएगा, कूलाम पर मीटर में, सो देयरफॉर अगर लैम्डा की वैल्यू ये है 2 + 0.5x, ठीक है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो नेगेटिव साइड आओगे तो ये वाली वैल्यू माइनस में ले लेना, या फिर इसको भी मॉड के अंदर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ चार्ज बढ़ेंगे, यहां से इधर जाने पे भी बढ़ेंगे, इधर आने पे बढ़ेंगे, मॉड का मतलब है, ओके, और पॉजिटिव वे पे बढ़ेंगे, तो इसकी जो यूनिट आएगी ये रहेगी आपकी कूलाम पर मीटर, और इसकी यूनिट रहेगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्स की यूनिट मीटर में आएगी, तो एक मीटर कट के कूलाम पर मीटर बचेगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे मान लो कि कहां से कहां तक कितना चार्ज है, जैसे एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर से एक्स इक्वल्स टू 16 मीटर तक कितना चार्ज है, ये यहां तक कितना चार्ज है ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर कितना चार्ज है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा इनटू डीएक्स, इसकी वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगी, 16 तक, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 2 + 0.5x इनटू डीएक्स, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इट इज 2x + 0.5x² / 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम, सॉरी 0 से नहीं, ये 4 से, तो इट इज फ्रॉम 4 to 16, इसको सॉल्व कर दो तो क्या निकल जाएगा, इतनी जगह पे चार्ज निकल जाएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर यूनिफॉर्म रहता कि पूरे अलोंग द लेंथ में एक जैसा चार्ज है, तो फिर आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ लैम्डा इंटू क्या कर देते आप, एक्स कर देते, समझ गया बेटा। हेलो, यस सर, कोई डाउट, ये जो यूनिट लिखा होगा मैंने ये ऐसे इसलिए लिख दिया, डायमेंशन ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टू, फिर इक्वल्स टू ठीक है, अभी समझ गए, तो यूनिट के लिए बचा जाएगा, ये है कूलाम पर मीटर अपॉन मीटर, तो क्या बन गया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, समझ गए। हेलो, हाँ सर, कोई भी डाउट है क्या, आंसर आ गया इधर का, कितना आ रहा है ये, 86, अच्छा ठीक है, मिटा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए आसान काम है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसी तरह से आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट नंबर 2, सॉरी पेज नंबर कौन सा अपना, ये 4 है कि 5 है, हेलो सर 5 है, सर 5 है, नाउ दिस इज पेज नंबर 5, नेक्स्ट है फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के पहले थोड़ा सा हम बेसिक आते, बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन था हम उस पे आते,
सपोज ये कोई बॉडी हमने लिए, दिस इज प्लेन सीट आप समझ लो, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ, ठीक है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, एंड लेंथ इज सपोज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज सपोज 4 मीटर. सो व्हाट इज द एरिया हियर? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. इट इज 5 मीटर इनटू 4 मीटर इक्वल्स टू 20 मीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ गए? अगर मान लो मुझे यहां पर इतनी जगह का, ये एक और मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, इतनी जगह का अगर एरिया निकालना तो क्या करोगे यहां पे? इतनी जगह का अगर एरिया निकालना तो क्या करोगे, या इतनी जगह का मास निकालना तो क्या करोगे? आपने मास डेंसिटी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मास डेंसिटी पढ़े थे. मान लो इस बॉडी का मास एम है, तो मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और सपोज अगर इसका मास है 20 केजी, या फिर मैं कुछ और ले लूं, सपोज मास इज 10 केजी, तो इट इज 10 केजी डिवाइडेड बाय 20 मीटर स्क्वायर, 0.5 केजी पर मीटर स्क्वायर इज द मास डेंसिटी. अगर इतनी जगह का एरिया सपोज ए नॉट ले लू मैं, एंड इट इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, या फिर 2 मीटर स्क्वायर इतनी जगह का एरिया है, तो इतनी जगह का मास किसके बराबर जाएगा? सिग्मा इंटू ए नॉट, एंड इट इज 0.5 केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू 2 मीटर स्क्वायर. ये सॉल्व करने पे हो जाएगा 1.0 केजी. तो इतनी जगह का मास आप ऐसे निकाल दोगे. समझ गया बेटा? हेलो सर, बड़े से छोटा निकाल रहे हो, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं क्या बड़े से छोटे के लिए? सब बड़े एरिया से छोटे एरिया निकालना तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं. अगर मान लो बिल्कुल छोटा सा एरिया का आपको मास चाहिए, जैसे ये एकदम इतना छोटा सा एरिया का मास चाहिए, इसका एरिया डी है, इसका मास अगर चाहिए तो डीएम किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए के बराबर. समझ गए कि नहीं? और अगर टोटल मास चाहिए तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दो आप. समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं, बोलो जल्दी से, स्टेप समझ गए ये? हाँ, स्क्रीनशॉट लो स्केच का. ये तो हो गया मास के लिए, लेकिन हमें पढ़ना किसके लिए है यहाँ पे? मास के लिए पढ़ना है कि चार्ज के लिए पढ़ना है? हमें किसके लिए पढ़ना है, मास के लिए पढ़ना है कि चार्ज के लिए पढ़ना है? चार्ज. हाँ, हमें चार्ज के लिए पढ़ना है, मास के लिए नहीं पढ़ना. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर. मास का तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, बट मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर चीज है. जो रोल यहाँ पे मास ने अभी प्ले किया सर, रिकनेक्ट हो रहा है, रिजन हो रहा है. हाँ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वही रोल चार्ज का आएगा, तो मास को आप चार्ज से रिप्लेस कर दोगे. बट ये भी आगे बताने के पहले मैं एक और बात बता दूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? हेलो, ले लिए क्या बेटा स्क्रीनशॉट? ले लिए? यस सर. पेज नंबर 6. ये थोड़ा सा और एरिया के बारे में और समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो मान लो रेक्टेंगुलर सीट आपको दिख रही है, ठीक है, ये सपोज आपको अगर रेक्टेंगुलर सीट आपको दिख रही है, ये इस तरह की, इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ वी है. अगर मान लो आपको ये वाली स्ट्रिप का एरिया चाहिए, ये छोटी सी स्ट्रिप मैंने लिया, इस स्ट्रिप का अगर एरिया चाहिए, इसकी विड्थ डी वाई है और लेंथ एल हो गई, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना लिखोगे? डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू डी वाई लिखोगे. और अगर मान लो आपने स्ट्रिप इस तरह से लिए यहां पे, ये ऐसी, डी एक्स इसकी ब्रेथ है, तो ये वाली स्ट्रिप का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? बी इंटू डी एक्स हो जाएगा.
समझ गए कि नहीं? हेलो अरे भाई समझ गए? हेलो कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है यहाँ पे? अगर आपको इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए इसमें से तो लेंथ इनटू डी वाई ये, और अगर इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए तो ब्रेथ इनटू डीएक्स, ये वाला मैंने डीएक्स लिखा है। अब आते हैं बात हम सर्कल में। मान लो कोई डिस्क अगर हमने लिया है सर, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, तो ये डिस्क कितने रिंग से मिलकर बनी है? ये डिस्क कितनी रिंग से मिलकर बनी? अगर इसका हम टोटल एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल एरिया आएगा ये किसके बराबर रहेगा? टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आया ना? ये जो डिस्क है ये कितनी रिंग से मिलकर बनी है बताओ? दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ कितनी रिंग, और रिंग को कैसे ऐड करोगे? अगर मैं यहां से बात करूं कि एक मैंने रिंग ये ले लिया, इसकी रेडियस आर है, और फिर इसके बाहर मैंने डी आर थिकनेस ले लिया है, तो ऐसी कितनी रिंग यहां पे ऐड करते जाओगे जीरो से लेकर ये फिर ये फिर ये, ऐसी ऐड करते जाओगे जोड़ते जाओगे क्या बन जाएगा? ऐसे अंदर भी जोड़ोगे ऐसे, कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो जो डिस्क बनी है ये कितनी रिंग से मिलकर बनी है? डिस्क इज मेड अप फ्रॉम इनफाइनाइट रिंग ऑफ रेडियस आर टेंस टू जीरो टू आर टेंस टू कैपिटल आर, मेड अप ऑफ या मेड ऑफ या मेड फ्रॉम इनफाइनाइट रिंग, इनफाइनाइट रिंग से मिलकर बनी है ये डिस्क, जिसकी रेडियस जीरो से लेकर कैपिटल आर तक की है। आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आप इसको ऐसे समझ लो कि सपोज आई हैव अ पेज, ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक पेज है, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं कि आप इसको कैसे इमेजिन कर लो। मैं तुमको लाइव इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता। ये एक डिस्क दिख रही है आपको? हेलो दिख रही ना? ठीक है। अब ये कितनी डिस्क से मिलकर बनी है, इसको इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर से ऐसे डीआर डीआर या कुछ सेंटीमीटर की मैंने ऐसे रिंग काट लिया है, अभी देखो, और छोटी भी काट सकते थे, ये छोटी डिस्क हो गई बराबर, और छोटी भी ले सकते थे आप, और छोटी काट लेते। अब इस डिस्क के ऊपर मैं एक और रिंग ऐसी जमा दूं ऐसी, तो थोड़ी बड़ी डिस्क बन जाएगी। हेलो ये जमा दिया मैंने, थोड़ी बड़ी डिस्क बन गई कि नहीं? यस सर। है ना, थोड़ा और बड़ी रेडियस जमा दो, थोड़ी और बड़ी रेडियस यहां पे जमा दें, अगर हम एक और बड़ी रेडियस लगा दी मैंने, ये देखो ये एक और बड़ी रेडियस इसके ऊपर से लगा दिया मैंने, तो थोड़ा और बड़ा शेप हो गया इसको, है ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। और लो एक और बड़ी लगा दिया, तो अब तो ये पूरे जितने शेप की थी उसमें आ गई, तो ये कैसे मिलकर बन रही है? जो ये जो डिस्क बनी है कितने रिंग से मिलकर बनी है? अभी समझ गए जो स्टेटमेंट लिखा हूं मैंने, ये जो स्टेटमेंट लिखा हूं, ये स्टेटमेंट समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको क्या बोलते हैं, हम एनुलर डिस्क बोलते हैं, ये जो रिंग मैंने यहां पे इमेजिन किया ये वाली, दिस इज कॉल्ड एनुलर डिस्क। तो अगर मुझे ये वाली स्ट्रिप का एरिया चाहिए इतना, ये जो एक स्ट्रिप हमने लिए, एक ये जो एनुलर डिस्क लिए, या फिर आप इसको एनुलर रिंग भी बोल सकते हो, डिस्क और रिंग, ठीक है, अगर इसका एरिया मुझे चाहिए तो इसका एरिया किसके बराबर जाएगा? डी ए।
is equals to 2 pi r into dr. ये स्टेप समझ गया क्यों लिखे हमने 2 pi r dr. ये इस स्ट्रिप का एरिया है या एनुलर रिंग का एरिया है. ये कैसे देखो, ये जैसे मैंने ये लिया, अब इसको अगर मैं यहां से सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा ये, अगर हम इसको सीधा कर दें यहाँ पे इस एनुलर डिस्क को, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाएगा, खुलेगा अगर ये पूरा, तो इसकी विड्थ किसके इक्वल है, डीआर के इक्वल है, और इसकी जो लेंथ है ये किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो लेंथ इज 2 पाई आर इंटू डीआर, मतलब ये इस स्ट्रिप का एरिया हो गया. बात समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर. है ना, ये देख, ये स्ट्रिप है आपकी, और इस स्ट्रिप को अगर आप खोल दोगे ऐसी सीधी कर दोगे, ये थोड़ा हार्ड पेपर है इसलिए बस नहीं है बराबर, लेकिन इसको अगर आप ऐसा सीधा करोगे तो आपको कैसी दिखेगी, ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगी लेंथ, और ये क्या है इसकी थिकनेस. तो सर्कमफ्रेंस में आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दिया. बात समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई कुछ. यस सर, थोड़ा और बता. कौन सा वाला सर? लास्ट लाइन. देख, ये एनुलर रिंग आपकी ऐसी है, और इसका अगर आपको एरिया चाहिए तो कैसे निकालोगे इसका एरिया, इसकी थिकनेस dr है, तो इसका अगर एरिया चाहिए तो आप इसको खोल दो ऐसे, तो लेंथ किसके बराबर आएगी इसकी खोलने पे, 2 पाई r. हां सर. और थिकनेस किसके बराबर, ब्रेथ किसके बराबर हो गई इसकी, dr. हां सर. तो da किसके इक्वल बन गया यहां पे, 2 पाई r dr बन गया कि नहीं? यस सर. अभी समझ गया पूरा? कोई डाउट है? समझ गया. हाँ, एंड स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? यस सर. और एक और चीज बता दूं मैं, अगर आपको इसका पूरे का एरिया निकालना ना डिस्क का, तो डिस्क का कंप्लीट एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ डीए. इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब 2 पाई आर डीआर, मतलब इसको लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से आर तक जाएगी, और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो पूरा आंसर बचेगा पाई आर स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ऐसी छोटी छोटी डिस्क को अगर आप एड करते जा रहे हो, जैसे ये एरिया हो गया छोटा वाला पहले, फिर उसके ऊपर ये रख दिए, फिर उसके ऊपर और ऐसी रखते गए जीरो से लेके कहां तक रख दिए, आर तक, तो बड़ी डिस्क बन गई पूरा, और पूरा कंप्लीट एरिया आप इस तरह से निकाल सकते. ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई. यस सर. तो अब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख ले रहे हैं यहाँ पे, अगले पेज पे आ रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लो, ये वाला पॉइंट उस पे नहीं लिखा था, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? यस सर. नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे आते हैं हम, पेज नंबर 7 पे. अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, जैसे ये कोई बॉडी हमने लिया यहां पर, ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, इसकी ब्रेथ भी है, लेंथ एल है, बट शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर शेप है, कोई भी रैंडम शेप चलेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. मान लो इस पे जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, तो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर आप डी क्यू अपॉन डी ए लिख सकते हो, and it is in coulomb per meter square, this is their SI unit of surface charge density. और अगर आपको dq चाहिए, dq मतलब छोटे सी जगह पे अगर आपको चार्ज चाहिए, जैसे यहां पर का जो एरिया है वो dA है, इस पे अगर चार्ज चाहिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए, और अगर टोटल चार्ज चाहिए
तो सिग्मा इनटू डीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ गए अभी? हेलो स्टेप समझ गए या नहीं? हेलो स्टेप समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे, स्टेप्स पे कोई डाउट है क्या? हेलो स्टेप्स पे कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, ये समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, इसको न्यूमेरिक डेटा लेके बता रहा हूँ एक बार और, का मतलब तुम न्यूमेरिक डेटा लेके समझना चाह रहे हो। ठीक है, हेलो कुणाल। हाँ सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले इस पेज का। सर ये रैंडम निकलता है, रैंडम शेप भी जाता है। हाँ रैंडम शेप भी चलेगा ना, रैंडम शेप भी रहेगा तो भी चलेगा ना, कोई भी शेप हो क्या फर्क पड़ता है, उसमें चार डेंसिटी पता होनी चाहिए। अभी वही ले रहा हूँ मैं, अभी स्क्रीनशॉट ले इसका। क्लियर? हेलो सर। लिए? हाँ बोलो। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? ले लिए? यस सर। हाँ रुक, अभी मैं ये बता दूं तुमको, जैसे यही शेप है हमारा, पेज नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जो चार्ज लिया, ये पूरी सीट हमने लिए, दिस इज द एनी सीट हियर, इसकी लेंथ सपोज 5 मीटर है एंड ब्रेथ इज सपोज 4 मीटर, और इसके अंदर जो चार्ज मैंने लिया यहाँ पे टोटल, सपोज चार्ज इज 40 माइक्रो कूलम का, इसके अंदर पूरा चार्ज फैला हुआ पूरा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी हियर? तो चार्ज डेंसिटी इज क्यू अपॉन एरिया। हम यूनिफॉर्म मान ले रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इट इज 40 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय व्हाट इज एरिया हियर, लेंथ इनटू ब्रेथ, 40 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 20 मीटर स्क्वायर, and after solving it is 2 micro coulomb per meter square is the surface charge density। और अगर मान लो मुझे यहाँ पे इतने एरिया पे चार्ज निकालना है कि कितना आएगा, and suppose it is 2 meter and it is also 2 meter, तो इतने एरिया पे कितना चार्ज आ रहा है, it is q dash surface charge density into dA कर दो, या फिर आप सीधा सीधा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इतनी जगह का एरिया कर दो, या तो आप इंटीग्रेट कर दो, नहीं तो फिर, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से आपका बाहर आ जाएगा और डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे ए डैश, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी जगह का चाहिए था, तो इट इज सिग्मा की वैल्यू आपके पास है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन का एरिया हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर विल बी कैंसिल ईच अदर, 8 माइक्रो कूलम इज द चार्ज ओवर हियर, इस इतने एरिया पे इतना चार्ज आएगा, एक तरीका भी हो गया। समझ गए? हेलो यस सर। अभी कोई डाउट है? नो सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए क्या? हेलो यस सर। हाँ तो ये तो हो गया प्लेन सीट के लिए, अगर मान लो आप डिस्क में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर कैसा करोगे? पेज नंबर 9 पे अपन लोग आते हैं। अगर ये चार्ज मान लो डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ये आपने एक डिस्क जैसा शेप लिया और इस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इस डिस्क की रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है, अगर मान लो मुझे इतनी स्ट्रिप पे कितना चार्ज लोकेटेड है, इतनी जगह पे कितना चार्ज लोकेटेड है ये निकालना है, इसकी रेडियस आर है, विड्थ डी आर है, मतलब मैं इसको बाहर अगर निकाल दूं तो पूरे अंदर तक नहीं निकाल रहे हम, चार्ज कहां पे निकाल रहे हैं, इतनी जगह पे कितना चार्ज निकाल रहे, इतनी जगह पे कितना चार्ज ये कैसे निकालोगे,
समझ गए, ये इसमें कितना चार्ज है, दैट इज dq, dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू dA, और ये dA किसके बराबर लिखा जाएगा यहाँ पे, इट इज 2 पाई r इनटू dr लिखा जाएगा, बात समझ गए? हेलो, अरे भाई बोलो कुछ, समझ गए? यस सर। हाँ, लेकिन अगर मान लो हमको ये अंदर कितना चार्ज है ये निकालना है, जैसे r रेडियस पे कितना चार्ज भरा पड़ा है, यहाँ पे कितना चार्ज है ओवरऑल, इस पे कितना चार्ज है, इट इज इक्वल टू क्यू डैश सिग्मा इनटू डी, सिग्मा इनटू डायरेक्ट क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ये है सिग्मा की वैल्यू तो डायरेक्ट बच गए भाई, ये सर मेन ने तब तक आके पूरा फोन भर हाँ, ये समझ गए कि नहीं, अगर मान लो अंदर का जो रिंग हमने अंदर की जो डिस्क कंसीडर की है वहां पे कितना चार्ज है ये निकालना है, तो सिग्मा इंटू डी ए को इंटीग्रेट कर दोगे और उसका आंसर, अगर सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जो टर्म आएगा, इफ सिग्मा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो फिर ये बाहर निकल के आंसर आ जाएगा सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर, अदरवाइज इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इतनी जगह पे कितना चार्ज है तो ये निकलेगा आपका सिग्मा इनटू टू पाई आर डी आर से निकलेगा, समझ गया बेटा? हेलो, अरे कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया कि डाउट है कुछ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, अगले पॉइंट पे आ रहे हम लोग अब। हाँ बोलो सर, अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता सिग्मा तो, हाँ अगर मान लो सिग्मा कांस्टेंट नहीं आता तो फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ता, और डीए का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो कैसा लेते आप, चलो मैं ये लिख देता हूँ, तो इसके बाद वाली जो स्टेप आती है यहाँ पे, जैसे अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 पाई r dr लिमिट 0 से लेके r तक लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है समझ गए? इफ सिग्मा इज कांस्टेंट तो ये बाहर जाएगा, तो q की वैल्यू डायरेक्ट सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है? हेलो, समझ गए अभी? तो ये वाला जो चार्ज मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इसके अंदर जो चार्ज है आप ये इस तरह से भी निकाल लो और इस तरह से भी निकाल लो, तो ये आंसर तब आएगा जब सिग्मा कांस्टेंट, और ये आंसर आपको निकालना पड़ेगा अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं, आगे बढ़े। सर वो इंटीग्रेशन में सिग्मा के साथ था, 2 पाई भी तो निकलेगा ना, कांस्टेंट। अरे वो निकल जाएगा ना, देख अगर सिग्मा कांस्टेंट है, मैं चल सॉल्व करके बता देता हूं, तो परेशान हो रहा है। इफ सिग्मा इज कांस्टेंट तो फिर q की वैल्यू में सिग्मा इनटू 2 पाई बाहर आ गया 0 से लेके r r dr, और r dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू 2 पाई r स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर, आ गया कि नहीं? हेलो सर, ये नीचे वाले सर्कल के लिए है ना? क्या बेटा? नीचे वाले सर्कल के लिए है ना? हाँ, ये इसके लिए चार्ज है, लेकिन इसके लिए भी ये वाले जो वैल्यू है चार्ज की, ये तभी रहेगी जब सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो ये वैल्यू नहीं रहेगी, फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना प्रॉपर, ठीक है? हेलो, अरे बोलो भाई। हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? हेलो, यस सर, फिर आते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन ही टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड रो इज हियर
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब जो चार्ज है वो पूरा 3D पे फैला हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको 3D में इमेजिन करना है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे ये हो गई इसकी लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रो इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, या डी क्यू अपॉन डी भी लिखोगे, और इसकी यूनिट आएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। दिस इज दियर एसआई यूनिट, है ना, कूलाम पर मीटर। और अगर चार्ज चाहिए आपको डी क्यू, तो चार्ज डेंसिटी इंटू डी भी, वॉल्यूम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। और टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो रो इंटू डी भी, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा में मैं लेता हूं, मान लो ये एक क्यूबॉइड है और इसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। Suppose it is 5 meter, it is 4 meter, and it is 2 meter, and total there are 40 microcoulomb, या 100 microcoulomb का charge यहाँ पे। So what is volume charge density here in that case? Example के तौर पे, तो charge कितना है? 100 microcoulomb, and what is the volume here? Length breadth into height, 100 microcoulomb divided by 40 meter cube. So the answer is 2.5 microcoulomb per meter cube is the volume charge density. समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का, स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का, ले लिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से चार्ज का कैलकुलेशन का ये मेथड है, जैसा हमने लीनियर के लिए किए, सरफेस के लिए किए, वैसे ही वॉल्यूम के लिए भी है। पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा और मैथमेटिक्स में आता हूँ। इस पेज पे ये कौन सा नंबर का पेज है? 10 नंबर का पेज है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? नॉन यूनिफॉर्म ना बताओ। क्या बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म पे इसकी रो की वैल्यू अलग होगी, वो एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। तो यूनिफॉर्म था तो कैलकुलेशन कर लिए, नॉन यूनिफॉर्म का कैलकुलेशन ऐसा नहीं होगा, पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन पे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, और फिर उससे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का कैलकुलेशन कैसे करोगे? आपको फिर कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा कि किस तरह से है इसमें फैला हुआ है, ठीक है, कैसे आप डाल रहे हो, समझ गए? जैसे मान लो इस बॉल के अंदर चार्ज भरना है, तो आप कैसे भर रहे हो? यूनिफॉर्म भर रहे तो ठीक है, उसका कैलकुलेशन आसान है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म भर रहे कहीं पर भी कैसे भी भर रहे हो रैंडमली, तो हमारे पास इस तरह से तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसका फंक्शन दिया रहेगा कि इसको ऐसे भरना है चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। स्क्रीनशॉट भरेंगे तो यूनिफॉर्मली हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना कि यूनिफॉर्म ही भरा जाएगा। अरे इसको ऐसे समझ ले कि जैसे तुम्हारा रूम है, अभी हो सकता है अभी जमा हो, बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्मली जमा हो, कपड़े बराबर जमे हो, बुक बराबर जमी हो, थोड़ा कोई बिखार दे उसको, इधर उधर रैंडमली सब पड़ा हुआ है, तो जरूरी थोड़ी कि यूनिफॉर्म ही भरा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। हेलो, ओके ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? देखो जब क्यूबॉइडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पेज नंबर 11, तो जो वॉल्यूम की कैलकुलेशन है, ध्यान देना, जैसे अगर मान लो मुझे इस बुक का वॉल्यूम चाहिए तो क्या करोगे आप? इस बुक का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ये हो गई लेंथ, ब्रेथ, और ये हो गई थिकनेस, क्या कर दोगे बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, बराबर यही आएगा ना वॉल्यूम, कि नहीं?
अगर मान लो आपको क्यूबॉइडल बॉडी का वॉल्यूम निकालना है, जैसे ये हमने लिया, ठीक है, दिस इज देयर लेंथ, दिस इज देयर ब्रेथ और ये इसकी हाइट है. So what is the volume here? Length into breadth into height. But length into breadth is the area. तो area into height भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते आप? समझ गया ना? Area into height भी लिख सकते हो कि नहीं? तो ये इस base के area में आप height का multiply कर दो. इस book का अगर आपको volume चाहिए, तो इसका area में इसकी thickness का multiply कर दो. समझ गए? Hello. Yes sir. है ना? ओके अगर मुझे यहां पे एक छोटी सी एक और छोटा सा पोर्शन ले लूं मैं, स्मॉल पोर्शन, ये इस पोर्शन की जो थिकनेस है सपोज dx, और इतनी जगह का अगर हमें वॉल्यूम चाहिए कि भाई ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना आ रहा है, इस पोर्शन का जो वॉल्यूम है ये कितना आ रहा है, इसको कैसे लिखोगे? dv. dv इज इक्वल्स टू एरिया इनटू क्या लिख दोगे? dx. क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ वाला पोर्शन तो ठीक है, बराबर ही है, और हाइट कितनी वहां पे? dx के बराबर हाइट. समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं बोलो कुछ? ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम अगर लिखना है तो एरिया इनटू दिस थिकनेस, और ये थिकनेस कितनी है? dx के बराबर, ऐसा लिख दोगे. अगर पूरी बॉडी का वॉल्यूम चाहिए तो एरिया इनटू हाइट आप कर दोगे. ठीक है? हेलो, जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, ये सीट है, है ना, इस तरह की. अगर मान लो आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो क्या करोगे? एरिया में किसका मल्टीप्लाई करोगे? थिकनेस का ना. हेलो, यस सर, है ना? तो ये जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, ये इतना, ठीक, स्क्रीनशॉट लो. तो ये तो हो गया आपका क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर के लिए. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है किसके लिए? वॉल्यूम स्फेरिकल स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा वॉल्यूम समझते हैं हम लोग. स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर जल्दी से. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? Now, पेज नंबर 12. अगर मान लो आपके पास एक वॉल स्फीयर है, हाउ दिस स्फीयर इज फॉर्म, ये स्फीयर कितनी सेल से मिलकर बना है बता सकते हो क्या? ये एक स्फीयर है. स्फीयर का मतलब ना सॉलिड स्फीयर होता है. स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर होता है. और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा? आप वॉल्यूम कैसे लिखोगे? 4/3 πr³ is their volume. एक स्फीयर कितनी सेल से मिलकर बना है? कितनी सेल अपन लगा दें अंदर? जीरो रेडियस से लेके आर रेडियस, ऐसी कितनी सेल अंदर भरते जाओगे तब ये स्फीयर बनेगा? कितनी सेल भरते जाओगे अंदर इसके, ऐसे कंटिन्यूअस रेडियस वाली कितनी सेल भरोगे? यस, इनफाइनाइट सेल आपको भरना पड़ेगा. ये ऐसी है ना, जीरो से लेके. तो नाउ स्फीयर इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनफाइनाइट सेल ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस आर टेंस टू जीरो टू आर टेंस टू कैपिटल आर. जीरो से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक की आपको बहुत सारी सेल भरना पड़ेगा. जैसे एक बॉल है, अब मैंने ये एक और भर दिया ऊपर, फिर ये और लगा दिया ऐसे, फिर और लगाते गए, कितनी लगाते जाओगे? इनफाइनाइट. कहां तक के लिए? जीरो से लेके आर रेडियस तक के लिए. तब कैपिटल आर रेडियस का क्या बन जाएगा? आपका स्फीयर बन जाएगा.
अगर मुझे मान लो ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए, अंदर का वॉल्यूम नहीं, मुझे इस सेल का वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे कि भाई इस सेल का वॉल्यूम कितना है, इतने पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए मुझे, इतने पोर्शन का कैसे निकालोगे? दिस वॉल्यूम इज डीवी एंड इट इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। आप सरफेस एरिया में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दो तो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस है डी आर, तो बेटा ये इतने पोर्शन का वॉल्यूम आया। और अगर अंदर का वॉल्यूम चाहिए भी डैस, तो इट इज 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये अंदर का वॉल्यूम है और ये वाला जो वॉल्यूम है ये सेल का वॉल्यूम है, सेल मतलब थिकनेस है उसकी, उसका वॉल्यूम है ये, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई, ये समझ गया वाला फिर से बताना जो भी बोलो। मैंने ये बोला कि ये इस थिकनेस का वॉल्यूम है, ये वाली थिकनेस का, जैसे मेरे पास ये एक बॉल है पूरा ऐसा, है ना, समझ गए? इस पूरी बॉल का अगर वॉल्यूम चाहिए आपको तो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब आएगा, लेकिन अगर ये थिकनेस का वॉल्यूम चाहिए इतना, ये जो मटेरियल है इससे मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, सीट का वॉल्यूम चाहिए जिससे ये बनी है बॉल, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो इस सीट का वॉल्यूम जिससे ये बॉल बनी है, इस सीट का वॉल्यूम आएगा सरफेस एरिया इंटू डी आर, और क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है इसलिए सरफेस एरिया कितना ले लिया हमने, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ले लिया। क्लियर हो गया? Yes, sir. और ये जो वॉल्यूम बना है ना, ये वाला 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर ऑफ दिस वॉल्यूम डीवी। डीवी मतलब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो 0 टू आर, इट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से कैपिटल आर तक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई, क्लियर हो गया इतना? यस सर। हां, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? पेज नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। इस पे एक क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे मान लो ये एक हमने स्फीयर लिए और इस पे जो चार्ज है वो धीरे धीरे बाहर निकलने पे कम होते जा रहे, डेंसिटी कम होते जा रहे, इसका जो फंक्शन है ना ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये कैपिटल आ रही है। इस पे जो चार्ज डेंसिटी, इट इज गिवन बाय रो नॉट इनटू 1 माइनस r डिवाइडेड बाय कैपिटल r व्हेन r r लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल r, है ना? और चार्ज डेंसिटी इज 0 व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल r। मतलब जो चार्ज है वो सिर्फ इसके अंदर भरा पड़ा है, ये क्या है, यहां पे स्फीयर है, दिस इज एनी स्फीयर, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी ऐसी दी हुई। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? तो टोटल चार्ज निकालने के लिए यहां पे एक सेल कंसीडर करोगे, ये इस पे चार्ज आएगा dq, रो इनटू dv, इट इज रो इनटू dv की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर dr। सबसे पहले आप एक सेल में चार्ज निकालोगे, ठीक है, इस सेल में, जैसे आपको पूरे स्फीयर पे जो चार्ज डेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको इस थिकनेस में ये वाले जो मटेरियल है इस पे आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इस मटेरियल पे कितना चार्ज है, रो इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और जब टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट करना है कि भाई पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, इट इज इंटीग्रेशन रो इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इट इज रो नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट 0 से लेके आर तक हो जाएगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू आर 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इनटू आर स्क्वायर डी आर,
मैं अभी इसको यहीं तक लिख रहा हूँ, तो मेथड ये रहेगी कैलकुलेशन की। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? अरे एक बार फिर से कहाँ पर से बेटा बता। सर वो डेंसिटी का फंक्शन आपने कर दिया, वो मैंने मान लिया हूँ कि मान लो यहाँ पे डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो डेंसिटी ये बढ़ते जा रहे, ये मैंने मान लिया कि लेट दिस इज द डेंसिटी, देन फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का स्फेरिकल बॉडी पे, वो इस तरह से ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट रहता तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट रो में आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। बट ये नॉन यूनिफॉर्म, ये गिवन है, दिस इज गिवन है ना, आप इसको गिवन ले लो। समझ गए कि नहीं? Yes, वो गिवन है, वो जो पैरामीटर दिया हुआ है कि भाई चार्ज डेंसिटी उसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। फिर आपको पूरे स्फीयर में कितना चार्ज निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। हेलो बोलो भाई। Yes, sir. ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास